नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झारखंड सरकार के परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत फिर से बिगड़ रही है। इलाज के लिए चेन्नई रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद विमान से चेन्नई के लिए रवाना कर दिया गया। जमशेदपुर के उपायुक्त विजय यादव और जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार समेत अन्य अधिकारियों का दल उनको टीएमएस से चेन्नई के लिए रवाना करने के लिए सोनारी एयरपोर्ट पहुंचा। सोनारी एयरपोर्ट में पहले से वहां एयर एम्बुलेंस तैयार थी, जहां से उनको चेन्नई रवाना कर दिया गया। विगत 3-4 रोज से मकर संक्रांति को लेकर वो काफी भागदौड़ हुआ, उनका काफी कार्यक्रम था, जिनके चलते उन्हें ठंड लगी और ठंड से चलते उनको बुखार आ गया था। बुखार के चलते हम लोगों ने शनिवार रात को उनको टीएमएच में एडमिट किया, लेकिन यहाँ पर एडमिट करने के बाद भी वो असहजित है, क्योंकि बुखार आ रही थी जा रही थी, शुगर लेवल कभी कभी गिर जा रहा था, जिनके चलते हम लोगों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भेजने का काम किया और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ लेके हम लोग के बीच में आए। तो डॉक्टर के साथ बात हो गई है, उनका आज हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड भी किया, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है वो, मतलब कोरोना नेगेटिव है। तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स उनके ठीक है, ब्लड वाइटल्स ठीक है, बाकी ब्लड प्रेशर ठीक है, बस डायबिटीज़ के उनके कुछ इश्यूज़ थे, जिससे हाइपोग्लाइमिक उनका कंडीशन हो रहा है। वो पहले चेन्नई में जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे, वही वो अभी कंसल्ट करने के लिए गए हैं। ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ फिट, ही इज़ फाइन, बट एक एडवांस लेवल का कंसल्टेशन देने के लिए आज वो यहाँ से चेन्नई रवाना हुआ है। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।